हेलो दोस्तों दिल थाम के बैठिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए चाय पी रहे हैं तो कप को साइड रख दीजिए और ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि आज मैं ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जिससे सुन के आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी सांसें रुक जाएंगी और दुनिया हिल जाएगी जी हाँ आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आईफोन एलेवन हाँ आई फोन तो उसका देखो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है ये देखो तेरा भी लिखा हुआ है थर्टीन लिखा हुआ है हमने लिखा है बहुत मेहनत लगी है तो गाइज़ आइए इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं तो दोस्तों अब मैं खोलने वाला हूँ आई फोन थर्टीन का बॉक्स तो प्लीज़ दिल थाम के रखिए तो ये ओ गॉड कॉल मतलब मेरी निगाहें नहीं हट रही इतना क्या फिनिशिंग है फ़ोन की मतलब आई तो बॉस आई होता है ये हमने डिब्बा खोल दिया इसकी ज़रूरत नहीं है फेंक देते क्योंकि हमारे पास टेबल ही है तो गाइस फोन कुछ ऐसा दिखता है बहुत ही प्रीमियम तो डब्बे को भी साइड में रखते हैं तो दोस्तों बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की तो इसमें आपको 6.1 का डिस्प्ले मिलता है स, नीचे आपको थंडर लाइटनिंग पोर्ट मिलता है साइड में आपको माइक्रोफोन मिलता है और उसके नीचे आपको मिलता है एक स्टोरियो ग्रिल बात करें इसके अपर साइड की तो अपर साइड आपको एकदम क्लीन मिलती है अपर साइड में आपको कुछ नहीं है राइट हैंड साइड में आपको आ, मिलता है क्या बोलते हैं उसको पावर लॉकर्स वॉल्यूम अप एंड डाउन और, और साइड में मिलता है आपको साइलेंट और रिंगर स्लाइडर और यहाँ पर मिलता है आपको पावर ऑन ऑफ बटन तो बात करते हैं इसके बैक साइड में तो बैक साइड में आपको हमने जो कलर मंगाया हुआ है पिंक जो लेटेस्ट है क्योंकि हम लेटेस्ट हम अपडेट रहते हैं तो इसलिए हमने पिंक मंगाया है और यहाँ पर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल के दो वाइड एंड अल्ट्रा वाइड कैमरे और एक माइक्रोफोन और एक ड्यूल टोन फ्लैश तो गाइज अब बात की जाए कि आईफोन में क्या मेजर अपडेट आए हैं तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके चिपसेट की तो उसमें आपको फिफ्टीन ए फिफ्टीन चिपसेट मिलता है जो कि बेस्ड है फाइव नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे जिससे कि आपको मिलता है एफिशिएंट बैटरी बैकअप तो दोस्तों एप्पल ने इसके कैम वीडियो सेगमेंट में बहुत अच्छा आ, एक मेजर जो अपडेट है वो किया है अगर आप वीडियो शूट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो प्रो लेवल की शूट तो उन्होंने इसमें एक सिनेमैटिक करके ऑप्शन दिया इसमें आपकी वीडियो में जो पीछे ब्लर आएगा ना वो मतलब अमेजिंग प्रो प्रो लेवल का होगा और उसमें आपकी वीडियो इंस्टेंटली पीछे की ब्लर हो जाएगी और सब्जेक्ट रहेगा वो आपका एकदम शार्प फोकस रहेगा और जैसे ही वो आउट होगा और जैसे ही वो अपने उसमें आ, उसमें आता है क्या बोलते हैं फ्रेम में आएगा फ्रेम में आते ही पीछे का बैकग्राउंड एकदम ब्लर हो जाएगा तो ये काम बहुत अच्छा है उसमें आपको फोर के पे एस डी आर प्लस डॉल बाय डिजिटल शूट अबे यार अभी शूट कर रहा हूँ यार बाद में पिलाऊंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है तभी चाय पिलाऊंगा मैं हाँ ठीक है ठीक है तो उसमें उसमें आप एस डी आर एस डी आर और प्लस डॉल विजन को फोर के सिक्सटी एफ पे तक शूट कर सकते हैं जो पहले आप वो सिक्स थर्टी फ्रेम था तो ये भी एक मेजरली अपडेट है बात करते हैं इसकी कैमरे की जिसमें भी कंपनी ने एक बहुत मेज़र अपडेट दिया है और पता नहीं क्यों और अदर यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि कोई, कोई अब सिर्फ कैमरे की पोजीशन चेंज कर दिया डायगनल कर दिया दैट्स इट नहीं इसके पीछे भी एक रीज़न है इन्होंने इसमें सेंसर शिफ्ट ओ दिया गया है जो एक बिल्कुल ही न्यू टेक्नोलॉजी है कैमरे की अगर हम बात करें नहीं तो ये टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल कैमरेज़ में यूज़ होती है मोस्टली जो हाई एंड कैमरेज होते हैं उसमें यूज़ होती है तो ये कहना गलत है कि सिर्फ कोई अपडेट नहीं किया सिर्फ कैमरे की पोजीशन चेंज कर दी ऐसा नहीं है तो बात करते हैं इसके कैमरे की तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का के दो कैमरा मिलते हैं एक वाइड और एक अल्ट्रा वाइड जो वाइड कैमरा है उसमें आपको एफ़ वन पॉइंट अपरचर मिलता है जिसमें आपको विम एंगल मिलता है ट्वेंटी सेवन mm फोकल लेंथ का और इस अल्ट्रा वाइड है उसमें आपको ट्वेल्व मेगा का ही कैमरा मिलता है और वो सब तो दोस्तों कैसे सेकेंडरी कैमरे में मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का f 2.2 पॉइंट अपर्चर वाला कैमरा और जो सपोर्ट करता है ओ ठीक है तो दोस्तों बात करते हैं जो इसका मेजर डिफरेंस है कि इसमें आपको सेंसर शिफ्ट ओ मिला है और और जो प्रीवियस वर्जन में ओ था जो इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे में ओ है तो जो अगर हम बात करें सेंसर शिफ्ट सेंसर शिफ्ट इस्टेबलाइजेशन की तो उसमें क्या होता है आपका सेंसर भी मूव करता है जैसे जैसे आप अगर आप वीडियो या फ़ोटोज़ बना रहे हैं तो उसमें आपका सेंसर भी मूव करता है एडजस्टमेंट करने के लिए कि जिससे कि आपको एक शार्फ वीडियो या फ़ोटो मिल पाती हैं और पहले क्या होता था जो कैमरे के आगे लेंस होता था सिर्फ़ वो लेंस एलिमेंट्स ही मूव करते थे इसमें आपका सेंसर भी मूव कर रहा है अब तो गाइज़ आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी फ़ोटो और वीडियो कितनी शार्प होने वाली है और ये बहुत अच्छा क्या बोलता है इम्प्रूवमेंट है एप्पल की तरफ से तो दोस्तों बात करें इसके फ्रंट सेल्फ़ी कैमरे के तो उसमें मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का एफ़ टू पॉइंट टू के साथ जो सपोर्ट करता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को जिसमें आपको एक वाइड सेल्फी मिलती है 23 थ्री एम लेंथ के साथ तो सौ बात करें प्रोटेक्शन की तो कंपनी इसमें एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है और साइड और साइड और फ्रंट में सैरमिक कोटेड ग्लास है और फ्रंट पे आपको ओलिफोबिक कोटिंग भी मिलते है जिसमें आपको मिलता है एक बहुत स्ट्रांग ग्लास और ओलिफोबिक कोटिंग की वजह से इसमें आपको समझिस नहीं आते फिंगरप्रिंट नहीं आते जो आपके यूज़र इंटरफेस को और भी ज़्यादा वह तो फिर आ गया यार भागना आज से उसमें आपको और भी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है यूज़ करते हैं तो गैस अब बात तो दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले की जो कि एक कंपनी बहुत मेजर इसमें इम्प्रूवमेंट किया है तो इसमें आपको मिलता है 6.1 पॉइंट इंच का डिस्प्ले जो कि सपोर्ट करता है ग्यारह सौ सत्तर इंटू पच्चीस सौ बत्तीस पिक्सल रेजोल्यूशन का जिसमें आपको मिलता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और इसका जो डिस्प्ले है वो है सुपर रेटिना एक्स डी आर ऑल एक्स डी आर टेन डिस्प्ले जो सपोर्ट करता है डॉलबाई विजन तो उसमें मिलता है आपको बहुत आ, अच्छा एक्सपीरियंस और इसमें आपको ब्राइटनेस मिलती है 1200 सौ निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस तो सब सकते हो आप कितना वो बेहतर होगा बाहर जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और ये सपोर्ट करता है अल्ट्रा गामा ट्रू टोन जिसमें आपको मिलते हैं एकदम ट्रू कलर तो दोस्तों जो एप्पल ने ए फिफ्टीन बायनी चिप जो उसमें इंट्रोड्यूस किया है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें से मैं तो एक दो बता देता हूं आपको कि आप कहीं भी अगर आपको कहीं टेक्स्ट वगैरह दिखता है तो आप उसको कैप्चर करके कर उसको सर्च कर सकते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे गूगल लेंस काम करता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर है आ, ए फिफ्टीन बायनी चिप का कि इसमें आप अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं और उसमें आपको एक ऐसा अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं आप किसी को सुन रहे हैं तो उसमें आपको आ, ऐसा फील होगा नेचुरली कि वो जो साइड पे पर्सन होगा आपको वॉइस उधर की तरफ से आएगी तो ये बहुत आपको नेचुरल आपको एक एहसास दिलाता है और इसमें से एक फीचर ये भी है कि आप आ, अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह ये चीज़ें बहुत आ, ये छोटे छोटे अपडेट्स हैं जो बट आपको एक बहुत नया फील देते हैं तो गाइज़ ये थी हमारी नए एप्पल थर्टीन की अनबॉक्सिंग तो ये कैसी लगी प्लीज़ गाइज़ कमेंट करिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए जैसे कि हम आगे भी और आपको बेहतर वीडियो ले पाएँ तो गाइज़ कैसी लगी आप वीडियो प्लीज़ कमेंट प्लीज करके बताइए बाकी मुझे ये आईफोन बनाने में बहुत मेहनत लगी थी तो ये कैसा लगा प्लीज़ इसके बारे में टू तो कमेंट